दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। स्टीव जॉब्स, एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे बेहतरीन सीईओस और इनकी कंपनीज को ऐसी कौन सी चीज है जिसने इतना ग्रेट बनाया? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम एक बेहतरीन बुक गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, लेवल 5 लीडरशिप। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो किसी भी कंपनी को गुड टू ग्रेट बनाता है वो ये है कि उस कंपनी के लीडर्स के अंदर लेवल 5 लीडरशिप होती है। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि लेवल 5 लीडरशिप होती क्या है। 1971 में किम्बरली क्लार्क नाम की एक कंपनी जो कि पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते थे, उसके स्टॉक्स 36% गिर गए थे और उस कंपनी के साथ और भी बहुत सारे मसले चल रहे थे। तभी 1971 में डार्विन स्मिथ नाम का एक बंदा उस कंपनी का सीईओ बना और आने वाले 20 सालों तक डार्विन स्मिथ उस कंपनी का सीईओ बना रहा। और उतने ही सालों में डार्विन स्मिथ ने उस कंपनी को नंबर 1 कंपनी बना दिया था पेपर बेस्ड प्रोडक्ट्स में। स्टॉक मार्केट में किम्बरली क्लार्क के शेयर 4 गुना तक बढ़ गए थे और उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक और कोका कोला जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया था। इनफैक्ट जब डार्विन स्मिथ किम्बरली क्लार्क के सीईओ बने थे तो उस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड भी नहीं थे, मगर इसके बावजूद भी उसने उस कंपनी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया था, उसे गुड टू ग्रेट बना दिया था। तो आखिरकार स्मिथ ने ऐसा क्या किया था जिसने उसकी कंपनी को इतना ग्रेट बना दिया? इसका एक ही रीजन है, लेवल 5 लीडरशिप। कॉलिंस और उनकी टीम ने जितनी भी ग्रेट कंपनीज को स्टडी किया है उन सबके अंदर लेवल 5 लीडरशिप पाई गई है। लेवल 5 लीडरशिप तब आती है जब उस कंपनी के लीडर्स अपने पर्सनल फायदे छोड़कर सिर्फ कंपनी के फायदे के बारे में सोचते हैं। उन्हें किसी काम के लिए क्रेडिट लेने के लिए कोई परवाह नहीं होती, वो अपने फायदे की कोई फिक्र नहीं करते हैं और उनके अंदर कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता कि यार ये काम करके मैं फेमस हो जाऊं, मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊं, मेरे को और ज्यादा पैसे मिलने शुरू हो जाएं। जब गुड टू ग्रेट कंपनीज के लीडर्स का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने इंटरव्यू के टाइम बिल्कुल भी अपने कंट्रीब्यूशन की तो बात ही नहीं की, उन्होंने हमेशा दूसरों को क्रेडिट दिया। अगर इंटरव्यू के दौरान उनके अचीवमेंट्स के बीच में बात करने लग जाएं तो वो यही बोलते थे कि अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता, या फिर कभी ये आंसर देते कि ये सब मेरे साथ में काम करने वाले एम्प्लॉयज की वजह से हुआ है, या फिर कुछ नहीं तो ये बोल के टाल देते कि ये सब मेरा गुड लक है। बट कभी भी वो लोग खुद क्रेडिट नहीं लेते थे और कॉलिंस ने जितने भी ग्रेट कंपनीज के सीईओस का इंटरव्यू लिया उन सब में ये क्वालिटी थी कि वो कभी भी अपनी अचीवमेंट्स के बारे में कभी बात नहीं करते थे। एलन गॉडजेल, डेविड मैक्सवेल, फ्रेड एलन, आप लोगों ने इनमें से कितने लोगों के बारे में सुना है? मेरे ख्याल से एक के भी बारे में नहीं, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी अपने बारे में बात किया ही नहीं, इन्होंने हमेशा अपनी कंपनी के बारे में ही बात किया है। और इन सारे बड़े सीईओस की एक और आदत जो देखी गई है वो है कि जब भी कंपनी कुछ अच्छा करती है तो वो सारा क्रेडिट दूसरों को दे देते हैं, लेकिन जब भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं। नेक्स्ट लेसन, फर्स्ट हु देन वॉट। जब कॉलिंस और उनकी टीम ने ये रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया तो उन्होंने ये सोचा था कि ग्रेट लीडर्स हमेशा सबसे पहले एक विजन सेट करते होंगे, फिर प्लान बनाते होंगे, उसके बाद टीम इकट्ठा करते होंगे, उसके बाद एक्शन लेते होंगे, मगर वो लोग गलत थे। गुड टू ग्रेट लीडर सबसे पहले सही लोग जमा करते थे, उसके बाद डिसाइड करते थे कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। अब इसके आपको 3 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो ये कि अगर आपके पास सही लोग होंगे तो आप ढंग से डायरेक्शन चूज कर पाओगे, और दूसरा फायदा तो ये कि अगर आपके पास सही लोग होंगे तो आपको हमेशा उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड ही रहेंगे। और तीसरा पॉइंट ये कि बिना सही लोगों के आप एक ग्रेट कंपनी कभी बना ही नहीं सकते। कुछ ग्रेट सीईओस यहाँ तक कि ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि उनके पास भी कभी कभार कोई आइडिया नहीं रहता कि कंपनी को कहाँ लेके जाना है, बट उनके पास सही लोग होते हैं जो कंपनी को हमेशा मदद करते हैं और उसको ग्रेट बना ही देते हैं। दोस्तों स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि हम लोग स्मार्ट लोगों को हायर इसलिए नहीं करते ताकि हम लोग उन्हें बताएं कि क्या करना है, हम लोग उन्हें हायर इसलिए करते हैं ताकि वो हमें बता पाए कि हमें क्या करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा करवाते हैं लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोग उतने अच्छे नहीं होते, और फिर जब वो कंपनी छोड़ देते हैं तो वापस कंपनी वैसी बन जाती है जैसे वो पहले थी। इसका मतलब वो लोग ग्रेट लीडर्स तो बन जाते हैं लेकिन एक ग्रेट कंपनी नहीं बना पाते। इसलिए दोस्तों ऑथर यहाँ ये कहते हैं कि सही लोग आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं। कॉलिंस और उनकी टीम ने जब वॉल्टर ब्रकेट का इंटरव्यू लिया और उनसे ग्रेट कंपनी बनाने के टॉप 5 टेक्निक्स पूछी तो उन्होंने ये कहा, पहला फैक्टर है लोग, दूसरा फैक्टर है लोग, तीसरा फैक्टर है लोग, चौथा फैक्टर है लोग, और पांचवा फैक्टर भी लोग ही हैं। गुड टू ग्रेट कंपनीज हमेशा ये चीजें फॉलो करती हैं, When in doubt, don't hire, keep looking। काफी बार कंपनीज को एम्प्लॉयज की जरूरत होती है और उस टाइम पे वो किसी को भी हायर कर लेते हैं,
लेकिन गुड टू ग्रेट कंपनीज ऐसा कभी नहीं करती। वो तब तक ढूंढती हैं जब तक उनको अपना सही एम्प्लॉय नहीं मिल जाता। और नेक्स्ट, व्हेन यू नो यू नीड टू मेक अ पीपल चेंज, एक्ट। जब भी आपको लगे कि आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है तो जल्दी से उसे चेंज करो, कभी भी उसे डिले मत करो। गुड टू ग्रेट कंपनीज हमेशा अपने बेस्ट लोगों को अपने बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज पे लगाती हैं, जहां उनको लगता है कि ग्रो करने का पोटेंशियल है। जिलेट के सीईओ कोलमैन मॉकलर एक बहुत ही बैलेंस लाइफ गुजारते थे। जिलेट के सीईओ होने के साथ साथ वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी काम करते थे। वो अपने फैमिली के साथ हमेशा टाइम भी गुजारते थे और वीकेंड्स पे काम भी नहीं किया करते थे। और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, उन्होंने सही जगह पे सही लोगों को रखा हुआ था और इसीलिए उनको हमेशा इतना ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता था। नेक्स्ट लेसन, हमेशा कड़वे सच का सामना करना सीखो। गुड टू ग्रेट कंपनीज का एक और कैरेक्टरिस्टिक देखा गया है कि वो लोग हमेशा कड़वे सच का सामना करते हैं, बजाय कोने में जाकर बैठ जाने के वो उसका सामना करते हैं और जो भी फैक्ट्स होते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कल YouTube की पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं और अगर मैं उस पॉलिसीज को इग्नोर करूं तो उसमें मेरा ही घाटा है, वहीं अगर मैं उन पॉलिसीज को एक्सेप्ट कर लूंगा तो उसमें मेरा ही फायदा होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल, दी हेजहॉग कॉन्सेप्ट। हेजहॉग कॉन्सेप्ट आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग होती है जो ये बताती है कि आपकी कंपनी कौन सी चीज में बेस्ट बन सकती है। अपनी कंपनी का हेजहॉग कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले खुद से ये तीन क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन नंबर 1, आप दुनिया में कौन से काम में सबसे बेस्ट बन सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, आप कौन सा काम करके सबसे ज्यादा इनकम बना सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 3, आप किस काम को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल, अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन। जिस कंपनी में डिसिप्लिन होता है उस कंपनी के एम्प्लॉयज को कोई भी काम दो वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं। अगर आपके पास एक टीम होगी तो ये वाला प्रिंसिपल आप ज्यादा अच्छे से फॉलो कर पाओगे। यहाँ सबको बोलने का मौका भी मिलता है, सबकी रिस्पेक्ट की जाती है, बस थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब आप अपने वो सारे काम करो जो आपको करने की जरूरत है, वो भी सही टाइम पर। दोस्तों, अगर आपके पास आपका हेजहॉग कॉन्सेप्ट है और आप उसे कंटिन्यूस डिसिप्लिन एक्शन के साथ फॉलो करते हो तो आप ये आपकी कंपनी ग्रेट बन ही जाएगी। अमेरिका के वन ऑफ द ग्रेट बिजनेसमैन केनेथ एवर्सन ये बोलते हैं कि उनके सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंटिन्यूस डिसिप्लिन एक्शन लेना। एक हेजहॉग कॉन्सेप्ट पे कंटिन्यूस डिसिप्लिन एक्शन लेना आपको बहुत ज्यादा ग्रेट बना सकता है। जैसे आप मेरे ही यूट्यूब चैनल का हेजहॉग कॉन्सेप्ट ले लो कि डिटेल बुक समरीज ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड बिजनेस बुक्स, तो अगर मैं इस पे कंटिन्यूस डिसिप्लिन एक्शन भी लगा दूं, यानी कि मैं हमेशा टाइम टाइम पे बेस्ट वीडियोस आपको अपलोड करके देता रहूं, तो डेफिनेटली इससे आपको भी फायदा होगा क्योंकि उन वीडियोस को देख के आपको भी नॉलेज मिलेगा और डेफिनेटली इससे मेरा भी चैनल ग्रो करेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपको कंसिस्टेंटली काम करना है तो आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी ही चाहिए। टू डू लिस्ट मतलब उन कामों की लिस्ट जो आपको करने की जरूरत है, और बहुत सारे लोग ये लिस्ट बनाते भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग एक स्टॉप डूइंग लिस्ट बनाते हैं। स्टॉप डूइंग लिस्ट मतलब वो काम जो आपको नहीं करने। अगर मैं अपने YouTube चैनल की ही बात करूं तो स्टॉप डूइंग लिस्ट में आएगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस करना, ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा टाइम टाइम पे वीडियोस डालते जाना है। और दोस्तों, मैं भी आपको यही बोलूंगा कि आप टू डू लिस्ट के साथ साथ एक स्टॉप डूइंग लिस्ट भी पक्का बनाओ। और लास्ट प्रिंसिपल, द फ्लाई व्हील एंड द डूम लूप। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जो कंपनी गुड टू ग्रेट बनी है वो अचानक हुए किसी एक्शन के वजह से बनी है, किसी ग्रेट प्रोग्राम के वजह से बनी है, या फिर किसी ग्रेट आइडिया के वजह से बनी है। लेकिन कॉलिंस और उनकी टीम ने जितनी भी ग्रेट कंपनीज को स्टडी किया, उनमें किसी में भी ये चीज नहीं देखी गई, और वो सारी कंपनी सिर्फ कंसिस्टेंट एक्शंस की वजह से गुड टू ग्रेट बनी है। और उनको गुड टू ग्रेट बनने में काफी टाइम लगा, कोई भी कंपनी अचानक ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। दोस्तों, क्या आपने कभी भी एक सक्सेसफुल इंसान को ये बोलते हुए सुना है कि मैं सो के उठा तो मैं जीनियस बन गया था या फिर सक्सेसफुल बन गया था? मेरे को नहीं लगता कि आपने कभी भी किसी को ये बोलते हुए सुना होगा। दोस्तों, आपको गुड से ग्रेट बनने के लिए हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, स्ट्रेस सहने पड़ेंगे। कभी ऐसा टाइम आएगा कि आप सोचोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट फिर भी आपको हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा, तभी जाकर आप ग्रेट कहला पाओगे।